और फिर वो अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते थे और सामने वाला धराशायी हो जाता था। प्रोफेसर कहते थे, केदारनाथ जी आपका ये बेटा तो कुछ अलग विलक्षण है, हम इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। तो उन्होंने 6 अंगों में ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें से है हमें भी जानना चाहिए। पहला है शिक्षा। क्या है शिक्षा का मतलब होता है द प्रोनंसिएशन ऑफ द श्लोकाज, उच्चारण करना श्लोकों का, श्लोक सही रूप से उच्चारण करना, इसे देववाणी कहते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, प्रभुपाद जी की भागवत में कितने श्लोक हैं, कभी काउंट किया आपने? 18,000 तो पढ़ा हुआ है, बोल दिया 18,000। कभी काउंट करिए कितने श्लोक हैं। 335 अध्याय की श्रीमद् भागवत में सिर्फ 14,800 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक नहीं है। काउंट करेंगे अगर वर्सेस, बोले फिर वेदव्यास जी ने 18,000 कहा और पुराणों में उनकी व्याख्यान आती कि 18,000 श्लोक हैं, तो कहाँ है 18,000? हाँ 18,000 है, तो काउंट किए तो क्यों नहीं किए? ग्रंथ का चरणिंग क्या है हमें मालूम ही नहीं। कई लोगों ने तो गीता के श्लोक काउंट नहीं किए, गीता के श्लोक काउंट करना चाहिए। महाभारत के भीष्म पर्व में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने 745 श्लोक सुनाए महाभारत में, और भगवदगीता में 745 कहाँ गए? ऐसे प्रश्न उठाने चाहिए भक्तों को और पूछने चाहिए कहाँ गए। 620 श्लोक बोले गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, हम कहते हैं 574 बोले गए कृष्ण के द्वारा, 84 बोले गए अर्जुन के द्वारा, 41 बोले गए संजय के द्वारा, एक बोला गया धृतराष्ट्र के द्वारा, 700 बनते हैं। और महाभारत के भीष्म पर्व में 745 क्या उत्तर है, कहां से लाए? तो एक नीलकंठ आचार्य हुए, उन्होंने बताया महाभारत का ये श्लोक जो है वो छुपे रूप से, जिसे क्या कहते हैं, ये एरर्स हो जाते हैं ना राइटिंग में, जब लिपिबद्ध किया गया तो ये एरर हो गया। अब उसके ऊपर कई लोगों ने टीका कर दी कि शंकराचार्य वेदव्यास ने क्या कर दिया, पुरानी जो महाभारत थी, अरे महाभारत भी तो वेदव्यास जी और गणेश जी के द्वारा रचित है, बोले उन्होंने वो गीता जो उठाई आगे आचार्यों ने उसमें 45 श्लोक छोड़ दिए कृष्ण के, वो बड़े कठिन थे। अरे जो इतने इतने सारे कठिन कठिन श्लोकों का अनुवाद कर सकते हैं, तात्पर्य लिख सकते हैं प्रभुपाद जी का, वो 45 श्लोकों का नहीं लिख सकते? लेकिन नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि 45 चले गए। आप पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेरीज लोग पूछते हैं, इस्कॉन में 700 क्यों या फिर गीता में 700 श्लोक क्यों? 700 इसलिए है कि 700 ही कृष्ण ने बोले थे, 745 वाला गलत एरर है, ये एडिटेड है। ऐसे ही भागवत में 18,000 श्लोक है, लेकिन हम जब काउंट करेंगे 14,800 समथिंग श्लोक आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि किसी भी श्लोक में 32 अक्षर होते हैं और 4 भाग में वो श्लोक बटा होता है, इसलिए हम बोलते हैं ना प्रसंगम अजरम पाशम, एक पार्ट हो गया, आत्मना कवियो विदो ये दूसरा पार्ट हो गया, स एव साधुशो कृतो ये तीसरा पार्ट हो गया, मोक्ष द्वारम अपावदे चौथा पार्ट हो गया। ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण एक पार्ट हो गया, कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक पार्ट हो गया, हरे राम एक पार्ट हो गया, राम राम हरे एक पार्ट। तो 4 भाग में एक श्लोक बटा होना चाहिए, 32 अक्षर होने चाहिए। हरि का नाम में कितने अक्षर है? 32। 32 अक्षरम मंत्रम, इस मंत्र में 32 अक्षर है। 16 नाम कान्वितम, 16 नाम है इसके अंदर। तो इस तरह से यो ये जानता है, अगर आप सारे अक्षरों को जोड़ें भागवत के और फिर उनको 32 से डिवाइड करें तो 18,000 आता है। लेकिन जब लिपिबद्ध किया गया तो जब बोला जाएगा तो वो एक प्रकार की क्रिया होती है और जब लिखा जाता है वो दूसरे प्रकार की है। जब बोला जाएगा तो वो गद्य है, जब लिखा जाएगा वो पद्य है। तो गद्य और पद्य के परिवर्तन में जब गद्य बोला गया और लिखा गया पद्य, तो बोलते वक्त आप देखेंगे जैसे भागवतम के 5th कैंटो में नरक वर्णन में कितने सारे श्लोक लिखे गए और उन श्लोकों में आखिरी में लाइन दे देंगे 15 नंबर श्लोक, और कितने 4 भाग में 25-25 भाग में श्लोक है। तो इस तरह से अगर कभी कोई प्रश्न पूछे कि कहां है 18,000 श्लोक काउंट करके, तो उसे बोलिए कि 32 अक्षर हैं और इन 32 अक्षरों के अगर हम सारे अक्षरों को जोड़ें और फिर सबको डिवाइड करें वर्सेस को, तो फिर हमारे 18,000 श्लोक बनते हैं। क्योंकि गद्य और पद्य की रचना के कारण ये काउंटिंग में कम लग रहा है। कई बार आप देखेंगे गीता में भी एक ही लाइन का श्लोक आ गया, कई बार 6 लाइन का श्लोक आया, तो ये सब टोटल करना चाहिए हमको। तो इस प्रकार से हम समझ पाएंगे शास्त्रों, इसको कहते हैं शिक्षा, प्रोनंसिएशन जानना, ये नहीं कुछ भी बोल दिया। फिर दूसरा होता है भाग जो हमें जानना होता है कल्प। कल्प क्या है?
कि वैदिक ज्ञान का सीक्वेंस क्या है, किस तरह से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ, जैमिनी ऋषि ने क्या बोला, वेदव्यास कब आए, गौतम बुद्ध कब आए। गौतम बुद्ध जो है, लोगों को गौतम बुद्ध ही नहीं पता। दो प्रकार के गौतम बुद्ध है, मालूम है आपको, एक है भगवान बुद्ध और एक है गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध जो है वो कहां प्रकट हुए, किकटेषु भविष्यतु, भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 24 नंबर श्लोक में लिखा है, किकटेषु भविष्यतु, कलयुग के संवर्धन करने के लिए, कलयुग को बचाने के लिए बुद्ध प्रकट होंगे, भगवान केशव धृता बुद्ध शरीरा, जयदेव गोस्वामी ने कहा कृष्ण ही बुद्ध बन के आएंगे। कहां आएंगे, किकटेषु भविष्यतु, किकटेषु है गया। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहां प्रकट हुए, कपिल वस्तु नेपाल। इसका मतलब वो गौतम बुद्ध अलग है, ये बुद्ध अलग, क्योंकि भागवत गलत नहीं है। भागवत में किकटेषु भविष्यतु, किकटेषु देश में आएंगे, तो फिर ये कौन है जो कि कपिल वस्तु में प्रकट हुए। ये सीक्वेंस जानना, वैदिक ज्ञान लेना, इसको कहते हैं कल्प। एक तो कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, उसको भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक वर्ष कल्प है, 100 वर्ष है तो 100 कल्प जाते हैं, तो इस प्रकार से वो भी एक कल्प है। लेकिन ये कल्प का मतलब है सीक्वेंस ऑफ द वैदिक ज्ञान, कौन से युग में कौन सा मंत्र था, कौन सा मंत्र कब प्रगट हुआ, हरि नाम कितना प्राचीन है। इसीलिए भक्ति सिंह महाराज के ग्रंथ, गौड़ीय वैष्णव ग्रंथ, हर ज्ञान को काट देते हैं, है ना, कल्प ज्ञान लेना है। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण है कि व्याकरण में जो कई बार क्या होता है, जैसे कुछ श्लोक हैं भगवद गीता के, जिन श्लोकों के अंदर अ जो है मात्रा वो पहले लगा दी गई है और दूसरे में अ नहीं है। जैसे आया अबुद्धया, अब अबुद्धया का मतलब है बुद्धि, जो मूर्ख लोग हैं वही कृष्ण की शरण में, अव्यक्त मूर्तिमान मानते हैं जो अबुद्धया है। तो ये अबुद्धया है या बुद्धया है। अब वो लोग क्या करते हैं, जो आ को है वो पीछे वाले भाग का आ बना देंगे, ग्रामर को, भागवत गीता जो संसार की है, और आ को हटा करके दूसरे वाले को बुद्धया। अव्यक्त वही मानते हैं कि भगवान कृष्ण अव्यक्त मूर्तिमान है, अव्यक्त व्यक्त मूर्तिमान, पहले अव्यक्त है निराकार फिर व्यक्त होते हैं, और इसीलिए वो लोग कौन है, बुद्धया, वो बुद्धिशाली है। अब ये जिसे ग्रामर नहीं आती होगी वो फंस जाएगा, व्याकरण है नहीं समझ में आया। जैसे वो कह रहे हैं अव्यक्त व्यक्त है, कृष्ण निराकार है अव्यक्त है, लेकिन वो अपने को एक शरीर के रूप में व्यक्त करते हैं, ये बात जो जानते हैं, गीता में लिखा अबुद्धया, वो मूर्ख है, लेकिन वो आ आ जो अक्षर है, आ अक्षर उसको पिछले वाले ही उसमें जोड़ देंगे, अव्यक्त व्यक्त मूर्तिमाना बुद्धया, समझ गए आप, आ को उठा के आ की मात्रा लगा दी, आ का डंडा बना दिया उसको, और बुद्धया। ऐसे ही नरसिंह आरती हम पढ़ते हैं, नमस्ते नरसिंह प्रहलाद लाद दाइने, है ना, प्रहलाद ऐसे क्या है, नमस्ते नरसिंह प्रहलाद लाद दाइने, हिरण्य कश्य पूर्वक्ष शिला टंका नखाला है, इतो नरसिंह पर तो नरसिंह घो, हो का मतलब क्या है और नरसिंह का मतलब क्या है, हो द्विवचन है, एक है एक वचन, द्विवचन बहुवचन, तो ये वचन मालूम हो, रूप मालूम हो, तब जाकर के शास्त्र समझ में आएंगे, वरना तो कोई भी आएगा ढोंगी, वो कुछ भी लिख देगा, हम हर चीज मान लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हो गई हम सब पे कि हमें सही रूप का तात्पर्य प्राप्त हुआ, अन्यथा वैदिक ज्ञान को पाना बड़ा मुश्किल था। भक्ति सिद्धांत महाराज के पहले कौन, भक्ति विनोद ठाकुर के पहले कौन ज्ञान देता, कोई नहीं ज्ञान देने वाला था। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज की कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने व्याकरण के अनुसार हमको ये प्रकट किया सब कुछ। और फिर चौथा भाग आता है निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त का मतलब है कि हर शब्द की शास्त्र के उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, उन मीनिंग्स को, अनुवाद को देना। जैसे श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, भक्ति को लिखा प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस, भक्ति का मतलब सेवा, लेकिन भक्ति का मतलब खाली ये नहीं है हाथ में माला लेकर के घर बार छोड़ो, बोले छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, यही भक्ति है, है ना। बोले अरे हमारे बेटे ने माला पकड़ ली, अरे बेटा सन्यासी बनने की उम्र है। अब लोगों को मालूम ही नहीं कौन सन्यासी कौन ब्रह्मचारी, हम लोग जाते कथा करने तो बोलते महाराज जी क्या खाएंगे, अरे महाराज छोटी हम तो प्रभु जी हैं, और जब मंदिर में उन्हें मिलाने लाओ, आई आई हमारे महाराज आए हुए, तो महाराज प्रभु जी क्वेश्चन था, वेद ही नहीं मालूम प्रभु कौन महाराज कौन, बस
तो ये सब जानना निरुक्त ज्ञान, अक्षरों को जानना कि एक शब्द का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक शब्द का बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि शब्दों में बड़ी शक्ति है। एक बार एक व्यक्ति आया था ऐसे ही भिखारी एक व्यक्ति के घर, कहता है सेठ जी क्या धोती पहनी है। सेठ जी खुश हो गए। सेठ जी अपनी पत्नी को बोले, अरे भागवान जरा वो कल मैंने लाकर सोने का सिक्का लिया था वो ले आना जरा। खुश हो गया, बोले धोती का गुणगान गाया, सेठ जी बड़े दिलदार हैं सोने का सिक्का। तो बोला सेठ जी आपका जो ये जो पार्क है ना घास फूस का बना हुआ, ये तो कहना है क्या पूरे कलकत्ता में ऐसा कोई नहीं है। तो भाग्यवान वो जो कल गले का हार लाके दिया सोने वाला वो भी ले आना। बोला आज तो मेरा सारा भिखारीपन मेरा दूर हो जाएगा, आज दरिद्र नहीं रहूंगा। बोला एक और तारीफ कर देता हूँ। बोला सेठ जी आपने जो ये गाड़ी खड़ी की है ना, ऐसी गाड़ी तो पूरे कलकत्ता में किसी के पास नहीं है। तो सेठ जी बोले, अरे वो कल मैंने वो लाके दिया था ना आपको 10,000 रुपये, वो भी ले आना। बोला था कैश भी मिल गया, आज तो मजा आ गया। अब खड़ा रहा सेठ जी, प्रसाद पाने लग गए, बैठे धूप सेक रहे। कहा सेठ जी, आधे घंटे, सेठ जी। बोले हाँ सेठ जी, आपने वो सोने का हार सोने का सिक्का वो 10,000 कुछ आया नहीं अभी तक निकल के आपने। बोले तूने मुझे कैसे खुश किया। बोले मैंने कैसे बोलकर खुश किया। बोले मैंने तुझे बोलकर खुश किया। तो बताओ शब्द में बड़ी पावर है, एक शब्द में है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तथा पिता नियमते स्मरणे न कालम। भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में डाल दी है, लेकिन हम सोचते हैं हमारे नाम में डाली है, इसलिए अपने नाम की अभिलाषा रहती है। वहां पर बोलते भी हैं, प्रभु जी मेरा नाम जो है ना इतनी सेवा करी फिर भी लिया ही नहीं गया, क्योंकि हम जानते हैं भगवान ने सारी शक्ति नाम में डाली है। अरे आपके में थोड़ी डाली है, अपने नाम में डाली है। जैसे आपको अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, भगवान को भी अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। इसलिए इन्फ्लुएंसिंग वर्ड्स एंड द वर्ड रूट्स, इस वर्ड का क्या कारण है, शब्द का क्या कारण है, किस कारण से ये शब्द आया, ये जानने को कहते हैं निरुक्त। ये नहीं जानेंगे तो एक ही शब्द के कई कई रूप हैं। आप भगवत संस्कृत में एक ही शब्द के 32-32 मीनिंग है। जैसे बोलते हैं एनम आता है भगवत गीता में आता है ना, न एनम, न एनम कलो दंती अपो न एनम छंदंती शस्त्राणि, है कि नहीं। तो न एनम का मतलब है ये। तो अगर हम ये निरुक्त नहीं जानेंगे कि एक शब्द का क्या मतलब है, अब वो ये किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है न एनम, तो अगर वो जीव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा मतलब शरीर के लिए तो भी एनम, और आत्मा के लिए तभी। अब आदमी बोले प्रभु जी वहां तो ये आत्मा के लिए बोल रहे थे, अब यहाँ कंफ्यूजन बहुत है। अरे कंफ्यूजन नहीं है, आप निरुक्त जानते नहीं है, है ना। जैसे हिज डिवाइन ग्रेस, और भक्त को बोला जाता है हिज ग्रेस, तो वो डिवाइन ग्रेस क्यों है, ये हिज ग्रेस क्यों, क्या भेद है। कृष्ण कृपा मूर्ति और एक बस जो है ना श्रीमान बोल दिया भक्त को, तो हिज डिवाइन ग्रेस क्यों बोला गया। तो हिज किसका है, किसके लिए वो हिज लगा, किसके लिए, भगवान के लिए। भगवान के हिज, उनका जो डिवाइन दिव्य ग्रेस था आशीर्वाद, कृष्ण की कृपा की जो मूर्ति है, अगर कृष्ण कृपा करे जो कृपा कर रहे हैं उसमें से जो मूर्ति बन जाएगी वो कौन है, भक्ति सिद्धांत महाराज श्रील प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस है ना, ये बोला। अब ये जानते नहीं है कि मूर्ति है कौन, तो बोले हिज डिवाइन ग्रेस, हिज डिवाइन। अभी भक्त को बोलते हैं आए आज हिज डिवाइन ग्रेस प्रसन्न गौर प्रभु, अरे ये हिज डिवाइन ग्रेस, वो मालूम ही नहीं कहां क्या बोलना है। तो ये निरुक्त शब्द के अर्थों को जानना, कहां कौन सा इस्तेमाल करना है, उससे क्या कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया। फिर तीसरा कौन सा पार्ट हो गया, कितने हो गए, चार। फिर पांचवा है चंदह, चंदह मतलब रिसाइटेशन ऑफ द श्लोका, श्लोक बोलते वक्त भी उच्चारण सही रूप से होना चाहिए। जैसे आपने देखा वृत्रासुर के प्रसंग में बृहस्पति ने बुलाया और श्लोकों का उच्चारण किया, और वो उच्चारण क्या हो गया था, इंद्रयारी इतना लंबा बोल दिया था वो श्लोक बोलते वक्त, तो इंद्र की सपोर्ट करने के लिए बुलाया था, वो उल्टा इंद्र के सामने उसका आरी दुश्मन आके खड़ा हो गया, क्योंकि एक श्लोक उच्चारण रिसाइटेशन ऑफ मंत्रा में प्रॉब्लम हो गई थी।
तो शास्त्र को इसीलिए ज्यादा है ना हरि नाम पे भरोसा करना चाहिए। वो लोग लगे रहते हैं ओम त्राम क्रम चिंग टिंग पोंग किट पिट बोलते हैं, उन्हें पता नहीं है वो किट पिट करते कोई भूत प्रेत निकल आता है। बोले ये क्या है, मैं तो भगवान को बुला रहा था। इसलिए अगर सारे मंत्र में बड़ी दिक्कत है, अगर चांदा नहीं है, चंदा नहीं जानते, रिसाइटेशन फंस जाएंगे। एक बार ऐसे हुआ था, एक भक्त ने शादी करी भौतिक संसार में, विवाह करके 20 साल हो गए, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया शादी के तुरंत बाद ही। 20 साल गुजर गए तो एक दिन उनकी पत्नी बोली, देखिए भक्त भी बोलते हैं गृहस्थ जीवन में थोड़ा पति पत्नी को साथ रहना चाहिए, इतने साल हो गए भजन करते करते, अब हमको काम वासना तो नहीं सताएगी, तो हम लोग ऐसा करते हैं अपनी शादी की सीढ़ी देखते हैं। तो शादी की सीढ़ी लगाई तो अब इनका रुझान हो गया इस्कॉन आते आते क्या संस्कृत सुनने में, डिस्कस करने में, शास्त्र पढ़ने में। तो ये बाकी जो गार्लैंड सेरेमनी थी उसको तो जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देख लिए, जो फेरे वाली थी उसको ध्यान से देखे कि जरा देखे हमारे क्या मंत्र पढ़े गए थे। तब जब मंत्र सुने तो प्रभु जी बोले, अरे अरे ये क्या बोल रहे पंडित जी। तो अब तो वो रोक नहीं सकते, तो बोल दिए 20 साल पहले। बोले अरे इसमें तो ये वो वाले मंत्र बोले हैं जो संन्यास लेने के लिए बोले जाते हैं हमारे इस्कॉन में। पत्नी बोली, तभी मैं कहूं आपका आज तक मुझसे प्रेम क्यों नहीं हुआ। तो ये रिसाइटेशन ऑफ श्लोका भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कहां बोलना है, कौन सा कहां नहीं बोलना, कुछ भी कहीं पर भी बोल रहे हैं। जैसे भक्त होते हैं ना, जब नए नए प्रीचिंग में जाते हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, 700 श्लोकों में से एक भी नहीं आता, कई बार बोला गया याद नहीं किया। तो एक भक्त था ऐसे ही चला गया पुस्तक वितरण करने, और उससे एक व्यक्ति ने बोला, देखो मैं लेने को तैयार हूं तुम्हारी पुस्तक, लेकिन एक श्लोक सुनाओ इसमें से, मुझे लगता है तुम्हें 700 याद है। अब ये घबरा गया, बोला हमने तो कभी खोली नहीं, हम तो छोटी पुस्तकें पढ़ रहे थे। अब बोला अगर लेनी तो है, क्योंकि सेल होगी तो आज नंबर बढ़ेगा, मंदिर में सब शाबाशी देंगे। तो बोला ले लीजिए प्रभु जी ले लीजिए, श्लोक व्लोक बताएंगे, किसी दिन आइए मंदिर में क्लास देंगे। अब ये पुजारी था, इसको नहीं ज्यादा अध्ययन किया हुआ, तो बेचारा बोल पड़ा, यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यानी चा तानी तानी प्रणशति प्रदक्षिणे पदे पदे। खरा कमाल है, क्या श्लोक बोला है। खरा यार आप तो लगता नहीं इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको श्लोक आते हैं समान ला दो, 10 भगवद गीता ले ली उसने। खैर आप पढ़ना ध्यान से, अब उसने उनकी बात मान ली, पढ़ने लगा। अब बेचारा वो बोला यानी कानी यानी कानी यानी कानी, 700 ढूंढ डाले एक जगह यानी का एक। हाँ बोला ये तो स्वामी जी से ही पूछना पड़ेगा कि वो उन्होंने कौन सा श्लोक सुनाया था, मेरी दृष्टि में तो नहीं आया। तो पुजारी के पास एक दिन आया मंदिर में, तो नाम पूछा, बोले ऐसे ऐसे प्रभु जी आए थे, उन्हें किता दिए 1 महीने पहले, वो कहाँ है। बोले वो अल्टर में बैठे हैं, दूर से देख लिया वो ये ऑल्टर में आते वक्त बोला हरि वो। तो है ना, बोला प्रभु जी प्रभु जी। बोला हाँ हरे कृष्णा, भी समझ गया आज कुछ गड़बड़ लग रही, इसके चेहरे पे क्वेश्चन है। बोला प्रभु जी वो वाला श्लोक आपने सिखाया था उस दिन, आप तो मैं गुरु जी मानता हूँ आपको, आपने मुझे सिखाया, वो श्लोक दिखा दीजिए। बोला क्षमा करिए अभी सच बोला, बोला ऑल्टर में तो सच बोलना चाहिए। बोले प्रभु जी उस दिन मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं भी नया, मैंने भी प्रचार शुरू किया था, मैं तो पुजारी था, मंदिर बोला आप पुजारी हो तो क्या प्रचार नहीं करोगे, करो। तो मैं निकल पड़ा गीता बांटने के लिए, तो फिर मैं हम तो वही मंत्र बोलते हैं पूजा करते वक्त, वो मैंने आपको सरल मंत्र सिखा दिया, एक्चुअली वो तुलसी पूजा का मंत्र है, मेरे को गीता नहीं आती थी, अब आती है, अब मैंने एक श्लोक याद कर लिया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत पांडव। तो रिसाइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए। और छठा अंग है इसका ज्योतिष, ज्योतिष है एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकली, ज्योतिष विज्ञान कि सूर्य का क्या सिद्धांत है, इसके अनुसार वैष्णव भक्त को जीवन जीना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी जो थे भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के पर गुरुदेव, उन्होंने सूर्य का सिद्धांत सबके सामने प्रकट किया, ज्योतिष में परांगत प्राप्त की, बड़े बड़े आचार्य आते थे और उनको पल भर में वो नाश कर देते थे। और उन्होंने बताया कि एकादशी तिथि कब रखें, एक कन्फ्यूजन होता है, दिवाली कब रखें, जन्माष्टमी कब रखें, दो दो हो गई, दो दो हो गई, अभी वो तो है ही बेचारी एक ही, लेकिन वो दो दो कैसे हो गई, क्योंकि तिथि अगर सूर्य उदय के बाद आती है
जैसे कभी आप देखेंगे एकादशी व्रत प्रारंभ का समय तो होगा 5:30, सूर्य उदय 6:25। देख लेना चाहिए, आजकल तो व्हाट्सएप में, इसमें फोन में, स्मार्टफोन में वैष्णव कैलेंडर है। व्रत समाप्त करने का समय जिसे पारण टाइम बोलते हैं वो 6 से 10 बजे। इसका मतलब उदिन इधर से 6 से उधर के 6 तक व्रत है 24 घंटे। लेकिन अगर ये तिथि सूर्य उदय के बाद आ रही है, व्रत प्रारंभ समय 7:30, कई बार शुरू होता है एकादशी का दिन 7:30, 7:35 में व्रत शुरू होगा, सूर्य उदय का समय 5:35। तो अब सूर्य उदय के बाद तिथि प्रारंभ हुई है तो यह तिथि खंडित तिथि है, इस दिन व्रत नहीं लगेगा, तो फिर इसके अगले दिन व्रत लगेगा। इसको कहते हैं सूर्य का सिद्धांत। ये प्रकट किया विमला प्रसाद ने, इसलिए उनको उपाधि मिली सिद्धांत, इसलिए भक्ति सिद्धांत गोस्वामी जो सिद्धांत है, उन्होंने सूर्य का सिद्धांत पूरे विश्व के सामने प्रकट किया कि वैष्णव के सिद्धांत से चले। और फिर उन्होंने ग्रह आदि मंडलों की भी बहुत पढ़ाई करी और सभी लोगों को बताया कि कृष्ण भक्ति करने से सभी ग्रह उस व्यक्ति को नतमस्तक हो जाते हैं, उसको फिर किसी ग्रह की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। 1995 से 1905 तक वो एक त्रिपुर